नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चन है वो एलिमिनेशन से रिलेटेड है, एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th का। अब अगर एलिमिनेशन मेथड आप इस पर डायरेक्टली अप्लाई करो तो कैसे करेंगे कि 101 को आपको इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड वाली इक्वेशन को 99 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा मुश्किल टास्क हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि यहाँ अगर आप देखो 99 101, यहाँ पर रिवर्स हो जा रहा है, यानी कि एक यहाँ पर 99 जो है वो x का कोफिशिएंट है, यहाँ इस वाली इक्वेशन में वो y का बन गया, और जो 101 था यहाँ पर y का था, यहाँ पे किसका कोफिशिएंट बन गया? अपना x का कोफिशिएंट बन गया। अब एक तरीका, बिल्कुल बेसिक अप्रोच तो यही है, बच्चा क्या करता है कि इसको 101 से मल्टीप्लाई करेगा, इसको 99 से करेगा और लगा हुआ होगा, थोड़े से बड़े नंबर भी हैं, है ना। तो इसकी अप्रोच क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या है? सबसे पहले तो हम इसको नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप सबसे पहले क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो 99 में 101 ऐड करूंगा मैं, तो मेरे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी 200x। इसी तरह से उसको y वाले को ऐड करूंगा तो 200y इक्वल टू 1000 हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, है ना। ये 1000 आ जाएगा टोटल। अब 200 इसमें से कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लिया x प्लस वाई 200, और ये हो गया 1000। दो जीरो से दो जीरो कट गई, x प्लस वाई किसके इक्वल आ गया 5 के, तो पहली इक्वेशन हमें मिल गई x प्लस वाई इक्वल टू 5। अब दूसरे स्टेप में क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से क्या कर देना है, हमने माइनस कर देना है, क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 99 में से 101 क्या कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -2x। इसी तरह से इसमें से ये माइनस करूंगा तो प्लस का 2y, और यहाँ आ जाएगा अपने पास माइनस का 2। -2 कॉमन ले लिया हमने, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2, माइनस के 2 से माइनस का 2 कैंसिल, तो x माइनस वाई यहाँ से क्या आ गई वैल्यू, 1 वैल्यू आ गई। अब एक इक्वेशन होगी ये, एक इक्वेशन होगी ये। अब करते हैं इन दोनों को सॉल्व। अब यहाँ पे लगा देंगे सिंपली एलिमिनेशन, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस वाई इक्वल टू 1। कन्फर्म कर लूँ मैं, ये वाला क्वेश्चन तो आपके लिए है, और कन्फर्म कर लें हम, बिल्कुल सही है, x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब बिल्कुल सिंपल एलिमिनेशन लगाएंगे, एलिमिनेशन कैसे लगेगा, ये y से y कैंसिल हो जाएगा, प्लस का y था माइनस का y था, सिंपली ऐड कर दिया, y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स अपना हो गया 2x, और 5 प्लस 1 हो गया 6, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू आ गई 3, x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड में भी जिसमें भी मन करे, जो ईजी लग रही हो उसमें पुट कर दो। x की वैल्यू 3 पुट की, 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से आगे एक x की वैल्यू 3, एक y की वैल्यू 2, तो इस इक्वेशन का जो आंसर है वो है x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, समझने वाली बात ये थी कि अप्रोच क्या है, मेथड क्या है। शायद आप ऐसा भी कर सकते थे, शायद पेपर में फाइनल एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। वहाँ पर बच्चा क्या करता है कि भाई सिंपल इसको 101 से मल्टीप्लाई कर दिया, 19 से कर दिया, और इसी में लगा हुआ है बिजी। सबसे बेस्ट मेथड है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, एक बार दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस करेंगे, उनसे जो इक्वेशन मिलेंगी उन इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, और क्योंकि आपको समझ आ गया है तो एक क्वेश्चन आपने मुझे सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।